भाइयों और बहनों, बेहतर स्वास्थ्य के बिना विकास अधूरा है और शुद्ध पानी के बिना बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पीने का पानी हर घर पाइप से जल तेजी से पहुंचाना भी बीजेपी की प्राथमिकता है। बंगाल के हर घर को पाइप में शुद्ध जल मिलेगा तो माताओं बहनों की तकलीफ तो कम होगी ही, आने वाली पीढ़ियां अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त होगी। इससे गरीब का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बचेगा। साथियों, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च गरीब की कमर तोड़ देता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद गरीब के काम आने वाली है। केंद्र सरकार हर 3 लोकसभा क्षेत्रों इनके बीच कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर बल दे रही है। बंगाल के कई क्षेत्रों में डेंगू ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जल भराव और स्वच्छता के अभाव के कारण ये संकट हर साल परेशान करता है। बीजेपी सरकार डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाएगी। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और शिल्प, इन दोनों पर फोकस करके ही सोनार बांग्ला का निर्माण संभव है। पश्चिम बंगाल के गांव गांव में शिक्षकों की जो समृद्ध परिपाटी है, जो शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका है, उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने शिक्षा और शिल्प को लेकर विश्व भारती में जो प्रयोग किया था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको विस्तार देती है। स्कूल के समय से ही विद्यार्थी को शिल्प से जोड़ा जाए, विद्यार्थी को उसकी सुविधा के हिसाब से शिक्षा मिले, जिस भाषा को वो समझता है उसमें ही उसको शिक्षा मिले, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में है। गरीब का, आदिवासी का, दलित, वंचित, शोषित का बच्चा भी उसकी अपनी भाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाए, इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां तेजी से लागू किया जाएगा।